नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आर्टिकल है आपकी पर्यावरण की अनदेखी मानव पर पड़ेगी भारी। इसके जो संपादक हैं वो हैं नितिन देसाई। एक बात आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा कि कई विज्ञानिकों ने कहा भी है, पर्यावरणविदों ने भी कहा है कि जो हम लोग अभी जो समस्याएं भुगत रहे हैं ये हमारी ही देन है, यानी कि हमने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की है, किस तरह से उसे हानि पहुंचा है उसी का भुगतान हम कर लोग पड़ रहे हैं। आपने देखा है कि कोरोना वायरस की को भी उसी की देन कहा जा रहा है। तो देखते हैं इसमें भी क्या बात की जा रही है। ये आपके लिए सभी आर्टिकल मेंस के लिए तो जरूरी रहते ही है और कभी कभी ऐसे भी आपका बनता रहता है, तो कुछ पॉइंट जो अच्छे होंगे उन्हें आप लिख सकते हैं। देश के पर्यावरण के समक्ष एक विचित्र चुनौती है। इसके संरक्षण के लिए बना मंत्रालय उन गतिविधियों को बढ़ावा देता नजर आ रहा है जो इसे नुकसान पहुंचाती हैं। हमने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को अफसर साहू के दबदबे वाले रबर स्टाम्प में बदलते देखा है जो हर तरह की औद्योगिक गतिविधियों को मंजूरी प्रदान कर देता है। संरक्षण क्षेत्र में रेल लाइन और अन्य परियोजनाओं के लिए वन संरक्षण अधिनियम की अनदेखी की गई। लॉकडाउन अवधि में लोग ऑनलाइन बैठकों के लिए विशेषज्ञ समिति बनी जबकि प्रभावित लोगों के पास कोई मंच नहीं था। एक बात आपसे यही कही जा रही है कि आपने देखा है कि पन्ना टाइगर रिजर्व कभी आप सुना करते थे कि वहां से ट्रेन गुजरने के लिए अनुमति मिल गई है, तो यही बात की जा रही है कि ऐसी मतलब जो क्षेत्र थे संरक्षित क्षेत्र थे वहां भी अब उससे भी छेड़छाड़ की जा रही है। अभी कुछ ही देर पहले आप सुनते हैं कि शहरों में शेर दिखा, शहरों में टाइगर देखने को मिला, हाथी देखने को मिला। अरे आप सोचिए कि हम लोग उनके घर में घुसते जा रहे हैं तो आखिर वो जाएं कहां, उनके सामने प्रॉब्लम है तभी तो वो निकल के अपने घर से निकल कर हमारी तरफ आवास की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें उनका कोई वो नहीं है। कभी आप सोचिए कितने वन हुआ करते थे, जंगलों के जंगल हुआ करते थे, अब वो खत्म होते जाएंगे तो आखिर जाएंगे कहां जानवर, वो आएंगे तो आपके घर के पास भाई। और अभी कहा जा रहा है कि जो लॉकडाउन लगाया गया है कोरोना महामारी के चक्कर में, इससे काफी हद तक पर्यावरण को सहूलियत मिली है। आप गंगा यमुना नदी को देख सकते हैं किस तरह से साफ हुई है, हवा को देखिए आप लोग प्रदूषण मुक्त हुई है। तो सभी काम धंधे जो उद्योग थे, वाहन थे, परिवहन था, पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था, भारत में ही नहीं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। तो काफी हद तक जलवायु भी शुद्ध हुई है और जो नदियां थी वो भी शुद्ध दिखाई दे रही हैं, आप देख रहे होंगे। सरकार की निर्णय प्रक्रिया व्यवस्था में प्रतिस्पर्धी दबाव रहता है और वास्तविक नतीजे इस बात पर निर्भर करते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में कौन सी शक्ति अधिक तेजी से खींचती है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का काम है प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का संरक्षण करते हुए उन मंत्रालयों का प्रतिरोध करना जिनका लक्ष्य मार्च तीन तीव्र गति से उत्पादन करना है, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। आपके यहाँ जो भी पर्यावरण मंत्रालय बनाया गया है, जलवायु पर्यावरण मंत्रालय, इनका इसे इसलिए बनाया गया है कि अगर इसके अंडर में जो भी काम आता है, आप सोचिए कहीं से अगर ट्रेन गुजर रही है तो इसे विरोध करना चाहिए। अगर वहां मतलब आरक्षित क्षेत्र है वहां नहीं हो सकता है इस तरह की किसी पर प्रभाव पड़ेगा, वन्य जीवों पर प्रभाव पड़ेगा, तो उसे रोकना है मतलब इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन आप देखते हैं ऐसा नहीं होता है। देखने को पर्यावरण मंत्रालय की कमजोरी के कारण हवा की गुणवत्ता में कमी जैसे तत्कालिक और संसाधनों में कमी तथा पर्यावरण जोखिम जैसे दीर्घावधि की दिक्कतें सामने आ रही। पर्यावरण के मोर्चे पर देश की नाकामी का एक मानक येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में दिखता है। सन 2020 में जारी सूचकांक में भारत 180 देशों में 178वें स्थान पर रहा। कितने टोटल आपके 180 देशों ने भाग लिया इसमें, जिनमें से हमारा नाम 168वां है। हमारा नंबर कितना है, 168वां। आप पूरी स्थिति समझ सकते हैं कि हम 168वें नंबर पर हैं। जबकि 2014 में बात करें तो देश 174 देशों में 155वें स्थान पर था। सन 2020 के सूचकांक में अफगानिस्तान को छोड़कर अन्य सभी दक्षिण एशियाई देश भारत से बेहतर स्थिति में है। इससे पर्यावरण कार्यकर्ताओं की चिंताओं को बल मिलता है।
आप जो पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका या आपके जो पड़ोसी देश हैं, ये भी हमसे आगे हैं और हमसे बेहतर स्थिति में हैं। समझ रहे हैं आप लोग? इसका सबसे ज्यादा, सबसे ताजा उदाहरण पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना को शिथिल करने का प्रस्ताव है, जो मौजूदा अधिसूचना 2006 में पारित की गई थी। इसके तहत सभी परियोजनाओं को दो मोटी श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली श्रेणी वह है जहां केंद्र सरकार की मंजूरी और जांच की जरूरत है, और दूसरी श्रेणी वहां जहां राज्य सरकार का को निर्णय लेना होता है। दूसरी श्रेणी में आगे और बंटवारा किया गया है। उसके एक हिस्से में समुचित जांच और मंजूरी की आवश्यकता थी, जबकि दूसरे को केवल प्रभाव आकलन प्रस्तुत करना होता था। और राज्य को यह अधिकार था वह परियोजनाओं को इनमें से किसी भी श्रेणी में रखें। इसी प्रावधान का इस्तेमाल करके पर्यावरण प्रभाव आकलन की आवश्यकताओं को शिथिल किया जा रहा है, और कई ऐसी परियोजनाओं को बिना जांच और मंजूरी वाली श्रेणी में डाला जा रहा है जो अत्यधिक प्रदूषण फैलाने फैलाने के लिए जाने जाते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि संशोधन में प्रस्ताव रखा गया है कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले उद्योग मामूली जुर्माना चुकाकर बच सकें। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण को विकास विरोधी मान लिया गया है। या वृद्धि को सही ढंग से परिभाषित किया जाए तो ऐसा नहीं है। वृद्धि का अर्थ केवल वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना नहीं है, उसका अर्थ है कि संपत्ति बढ़ाना, और संपत्ति का अर्थ केवल जमीन, उपकरण और अन्य वस्तुएं नहीं बल्कि मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों को भी बढ़ाना इसमें शामिल है। आप ही सोचिए, एक नॉर्मल सी बात सोचिए कि आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, उसे कौन ले रहा है? उसे पेड़ यूज कर रहे हैं, उसे आपका पेड़ यूज कर रहे हैं। और आपने देखा है पेड़ क्या करते हैं, इसे CO2 में बदल दे सॉरी O2 में बदल देते हैं ऑक्सीजन में, फिर उसके बाद ऑक्सीजन आप लेते हैं। इस तरह से एक प्रक्रिया चलती रहती है। आप सोचिए कि वन एक तरह से खत्म हो रहे हैं, तो क्या ये संभव हो पाएगा? और जब वन खत्म हो जाएंगे तो हमारा जीवन संभव रहेगा? या तो आपको लेनी पड़ेगी, या तो एक डिब्बा टांगना पड़ेगा पीछे ऑक्सीजन का, उसी से लेने की जरूरत पड़ेगी। और यही मुझे लगता है कि जिस तरह से हम पानी ले जाते हैं ना एक बोतल में, इसी तरह से एक समय आएगा कि ऑक्सीजन का भी हमें पीछे रखेंगे, जब जरूरत पड़ी तुरंत ले लेने। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि आपके जो फेफड़े हैं उसका एक हिस्सा तो बन है और एक हिस्सा हमारे अंदर है, यही कह सकते हैं। क्योंकि एक प्रक्रिया तो चल रही है, हम जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तब सामने वाले पेड़ ले रहे हैं, वो उसे बदल कर हमें अच्छे से जो हमें उपयोगी है उसको दे रहे हैं, तो ये प्रक्रिया है। समझ रहे हैं? और जब विकास का और उद्योग धंधों का हम लोग क्या करेंगे जब धरती पर हम ही ना रहें? अगर हम लोग ना रहें तो फिर क्या मतलब रहेगा इसका, विकास दरें का? अब आपने देखा है कि 3-4 महीने से किस तरह से बुरी तरह से प्रभावित कर दिया हर देश को, पीछे कई साल पीछे धकेल दिया कोरोना वायरस ने। किसका परिणाम है? पर्यावरण का परिणाम ही तो है। इन तमाम बातों को ग्रीन नेशनल अकाउंट्स इन इंडिया आप फ्रेमवर्क नामक 2013 की रिपोर्ट में विस्तार से समझाया गया। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह ने तैयार की थी, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर पार्थ पार्थ दास गुप्ता के साथ के पास थी, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्री हैं। दास गुप्ता विश्व के जाने माने पर्यावरण अर्थशास्त्री हैं। उनके बौद्धिक क्षमता रिपोर्ट में साफ नजर आती है। स्पष्ट है कि मैं उस विशेषज्ञ समूह का एक सदस्य था। ये जो संपादक हैं ये यही बता रहे हैं, ये भी उसमें सदस्य थे। आपने गांधी जी का एक वक्तव्य तो सुना होगा ना, कि पर्यावरण यानी कि प्राकृतिक संसाधन इतने हैं, इतने काफी हैं कि हम सबकी जरूरत पूरी कर सकते हैं, लेकिन एक सीमित समय तक। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर लालच है, हमने एक घर बनाया उसमें हमारा मन नहीं भरा, हमने दूसरा घर बना लिया हमारा उसमें भी मन नहीं भरा, उसे भी रखा अपने पास, चार चार बना लिए, चार चार की, ये ही तो हमारे अंदर लालच है। अगर ये लालच नहीं है और हमें जितनी जरूरत है वो हिसाब से हमारे पास पर्यावरण काफी हमें दे सकती है, लेकिन एक इंसान की लालच पूरी करने के लिए पृथ्वी कम पड़ सकती है। इस तरह के जो भी पॉइंट हुआ करें आप लोग आंसर राइटिंग में या फिर निबंध में जहां भी आप यूज कर सकते हैं, प्रभावशाली आपका आंसर लगेगा।
इस रिपोर्ट से उपजे कुछ सवाल इस बात को आगे और अधिक स्पष्ट करने का काम करेंगे। आर्थिक आकलन के लिए आंकड़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन बेहतरी की अवधारणा भी इसी के लिए जरूरी है। खुलकर कहें तो बिना बेहतर की अवधारणा के हम नहीं कह सकते हैं कि हम किन आंकड़ों का अध्ययन करेंगे। आर्थिक आकलन जिस आधार पर किया जाना चाहिए उसे संपत्ति की व्यापक धारणा के साथ अंजाम देना चाहिए। इसमें पुनरुत्पादन लायक पूंजी, मसलन सड़क, बंदरगाह, केबल, भवन, मशीनरी, उपकरण आदि शामिल हो। इनके अलावा मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, मसलन जमीन और पर्यावास आदि को शामिल किया जाना चाहिए। किसी निवेश परियोजना से उत्पन्न होने वाले सामाजिक लाभ के मौजूदा प्रवाह का वर्तमान रियायती मूल्य उस समय सकारात्मक होता है जब वह परियोजना संपत्ति में इजाफा करने में सहायक हो। किसी वन के साथ छेड़छाड़ किए बिना उसे सघन होने देना भी उसमें निवेश करना है। प्राकृतिक परिस्थितियों में मछली मारने की गतिविधियों को अंजाम देना भी उस पर काम में निवेश करना होगा। क्या पर्यावरण संरक्षण मुनाफा कमाने वाली कारोबारियों के लिए बाधा है? वास्तव में यदि ऐसा कारोबार दूरगामी दृष्टि लेकर चले तो यह कोई बाधा नहीं है। एक बात आप सोचिए, आज से हजारों साल, आज की तो हमारी पृथ्वी है नहीं है, आज से तो मानव का अस्तित्व धरती पर है नहीं, मानव जीवन तो काफी साल पहले से है, हजारों साल पहले से। तो क्या हम लोग भूख से मरते थे? उस समय भी तो सुविधाएं थी। आज तक मतलब मुझे लगता है कि आज से बेहतर जिंदगी उस समय थी। एक खुली हवा थी, खुला जल था, स्वच्छ जल, जो भी देखो आप, जिंदगी बेहतर थी या नहीं थी? तो हम कैसे कह सकते हैं कि आज विकास करना पर्यावरण को देखकर नहीं किया जा सकता है, इसके विरोध में है पर्यावरण? तो ऐसा नहीं है, पहले भी होता रहा है। कोई भी व्यवहारिक कारोबार हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहेगा कि वह उन संसाधनों की रक्षा करे जिन पर उसका कारोबार निर्भर है। वह नहीं चाहेगा कि स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पर उसकी गतिविधियों का नकारात्मक असर हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में पर्यावरण प्रभाव को लेकर संवेदनशील ग्राहकों और अन्य लोगों के मन में उनकी छवि खराब होगी। यह दलील भी दी जा सकती है कि दशकों तक चलने की दूरगामी दृष्टि वाले कारोबार पर्यावरण चुनौतियों को लेकर उन सरकारों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं जिनका ध्यान चुनाव पर केंद्रित रहता है। प्रायः ऐसी सरकारें अल्पावधि के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करती हैं। पर्यावरण निगरानी मानकों को शिथिल करने का असली दबाव ऐसे कारोबारों से आता है जो शीघ्र मुनाफा कमाने के चक्कर में रहते हैं। इन हालातों को कैसे बदला जा सकता है? पर्यावरण कार्यकर्ताओं का विरोध ठप है क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोग एकत्रित नहीं हो सकते। ऐसे में अब उन तक उनकी अनदेखी करना करताया मंत्रालय क्यों ध्यान देगा? एकलौती आशा समझदार कारोबारियों से है कि वे बोलेंगे पर्यावरण मानकों को शिथिल करना दीर्घावधि में विकास के हितों में नहीं। हमारा देश घनी आबादी वाला देश है और हमें उस संरक्षण की आवश्यकता है जो पर्यावरण हमें स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के रूप में प्रदान करता है। जलवायु परिवर्तन बढ़ने के साथ विपरीत मौसमी घटनाएं भी बढ़ती हैं। ऐसे में हमें संरक्षण की आवश्यकता और अधिक होगी, परंतु मौसम हमें तभी बचाएगा जब हम उसे बचाएंगे। प्रकृति रक्षिता सरकार को इस साधारण से सत्य को समझना होगा। एक बात सोचिए आप लोग कि आपने देखा गंगा यमुना नदी को इतनी जरूरत, मतलब इतनी गंदगी उसमें फैल गई, प्रदूषण इतना बढ़ गया कि हमें बचाने की जरूरत पड़ती है। आप सोचिए खुद का, आपका, आप लोग जाते हैं अभी भी, देखिए आप लोग गंगा माता को कहते हैं कि ये हमारा उद्धार करती है, उसमें आप अस्थियां ले जाते हैं अपने पूर्वजों की जो मर जाता है। तो आप सोचिए उससे जिसमें हमारा उद्धार कर रही थी जो नदी, आज उसका उद्धार करने के लिए हमें हमारी जरूरत पड़ गई नदी को। तो ये तो सोचने वाली बात है ना कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। आज से कई सालों पहले आप लोग देखते थे कुआ, आपके यहाँ जो भी बावरी हुआ करते थे वो इतने भर जाते थे बरसात के मौसम में, और उसके बाद भी भरे रहते थे कि आप हाथ से पानी ले सकते थे, समझ रहे? आप देखते थे पानी किस तरह से बरसता था, सात सात दिन तक नहीं खुल रहा है, कितनी अच्छी मतलब झरने टाइप के आपके पहाड़ों के पास से निकल रहे होते थे अब। लेकिन इस तरह की परिस्थितियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। बरसात होती है, निकल जाता है, और बरसात इस तरह से हो रही है कि पता ही नहीं चलता है कि बरसात हो रही है या नहीं हो रही है। वरना एक समय था कि सात सात
दस दस दिन तक चलती रहती थी बारिश, तो कुछ तो किया है, कुछ तो हानि पहुंची है, तभी तो ये भुगतना पड़ रहा है। चलिए बचाते रहिए, आपका भी काम है, अगर आप लोग भी ध्यान नहीं देंगे तो भुगतते रहेंगे, इसमें कौन सा फर्क पड़ रहा है।